नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 18। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। धान की फसल कट चुकी है, लेकिन धान खरीद के लिए सेंटर अभी तक नहीं लगे हैं, जिस कारण किसान अपने धान को धान मंडी लेकर जा रहे हैं, लेकिन धान मंडी में भी किसानों का शोषण बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। इन सभी मुद्दों पर आज जावेद साबरी के निवास पर सहारनपुर कांग्रेस कमेटी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इमरान मसूद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसानों पर अत्याचार इस सरकार के समय में अत्याधिक हो रहे हैं। आज धान की फसल कटने के बाद भी धान खरीद सेंटर पूर्ण रूप से नहीं लगवाए हैं, जिस कारण किसान अपने धान को लेकर धान मंडी जा रहा है, लेकिन वहां पर भी किसानों का शोषण बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। इस मौके पर इमरान मसूद, जावेद साबरी विधायक, नरेश सैनी विधायक, मसूद अख्तर चौधरी, मुजफ्फर अली, सोनू राजकुमार, मदन लाल आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से ब्यूरो चीफ हैदर अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, आज देश का किसान परेशान है। हमारे प्रदेश के अंदर धान की फसल तैयार है और धान के खरीद सेंटर अभी तक शुरू नहीं हुए, और खरीद जो सरकार जो मंडी के अंदर किसान धान लेकर के जा रहा है, वहाँ मंडी इंस्पेक्टर का जबरदस्त उत्पीड़न है। बार बार उनको मॉइस्चर के नाम के ऊपर, धान काला पड़ने के नाम के ऊपर किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। MSP 1888 रुपये, लेकिन किसी भी जगह 1200 रुपये और 1250 रुपये से कम, 1200 ज़्यादा नहीं खरीदा जा रहा, और उसमें भी 150 रुपया कम मॉइस्चर के नाम पर, 17% मॉइस्चर से ऊपर बताते ही 150 रुपये कम कर देते हैं। इस परिस्थिति के अंदर देश का किसान बहुत परेशान है। गन्ना भुगतान पिछले साल का हुआ नहीं, बार बार सरकार कह रही है हम भुगतान कर देंगे, अब तक भुगतान हुआ नहीं। और उसके बाद अब जो गन्ने का तैयार हो गया, गन्ना शुरू हो गया है, कोल्लू के ऊपर 210 रुपये पर किसान अपनी फसल बेचने को मजबूर है। 210 रुपये के ऊपर गन्ने के ऊपर 1 रुपया जब से ये सरकार आई है इन्होंने बढ़ाया नहीं है, 1 रुपया भी। डीजल 75 रुपये कर दिया, लेकिन किसान बदहाल है, क्योंकि दाम, खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी, डीजल के ऊपर सब्सिडी थी, डीजल के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी। तो किसान को तो आप हर जगह से दबा रहे हो, और फिर आप सपना देख रहे हो कि किसान को आप समृद्ध कर देंगे। कैसे समृद्ध होगा किसान? किसान को लागत मूल्य का आधा भी नहीं मिल पा रहा है, आप दुगने की बात कर रहे हो, उसको आधा भी नहीं मिल पा रहा है। यही तो कह रहा हूँ भैया, और क्या कह रहा हूँ, और ये सरकार को कह रहा हूँ। नहीं, पुराली तो देखिए, पुराली के नाम के ऊपर आप किसानों के ट्रैक्टर जब्त कर रहे हो। अरे, किसान को आप पैसा देने को तैयार नहीं हो, 75 रुपए डीजल है, उसे पुराली को दबाने के लिए 3 बार उसे ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, जब जाके उसके बंडल बनेंगे तब जा करके होगा। तो 75 रुपए डीजल पे, भाई थोड़े दिनों बाद जब दिल्ली में स्मॉग छा जाएगा, फिर आप कहेंगे कि मोदी सरकार जो है स्मॉग को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, उसको क्या कहेंगे आप? तब भी यही कहेंगे, यही कहूंगा जो बोल रहा हूँ कि आपका मिसमैनेजमेंट है। सुनिए, आपका मिसमैनेजमेंट, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि किसान को देखे। 3 महीने बाद स्मॉग बन के हमारे पास वापस आएगा। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, पूरी जवाब तो देंगे, यही कहूंगा कि ये सरकार का मिसमैनेजमेंट है। सरकार को किसान की पुराली के लिए, सरकार को किसान की पुराली के लिए, जिस तरह पंजाब की सरकार ने मशीनें लगा करके उनको बंडलिंग कराने की